हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अरुण कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल स्टडी द रिवीजन वर्क ऑफ किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, राजा और उनका इतिहास, हिस्ट्री। मीन्स एंड दीज आर वेरी शॉर्ट एंड वन वर्ल्ड वन एंड या ओनली टू और थ्री लाइन्स क्वेश्चंस, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज राइट देम ऑन योर नोटबुक एंड आल्सो स्टडी इट सिंसियरली। मेंशन द लाइनेज ऑफ मुगल कोर्ट या डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी की जो लाइनेज थी वो क्या थी, यानी कौन कौन से मुगल बादशाह भारत में। अब बाबर ने, जैसे आज यू नो, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, बट आफ्टर दैट देर वाज ए ग्रेट लाइनेज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर हिम। एंड फर्स्ट वाज जहूरुद्दीन बाबर एंड ही हिज रेन वाज 1526 to 1530. Second, his son Nasiruddin Humayu and his reign was 1530 to 1540 and after that 1555 to 1556. 40 से और 50 यानी 15 years he spent his life in Iran. Because in 1540 he was defeated by the Afghan ruler or warrior Sher Shah Suri. So he left our country, India, and to protect themselves from the Afghans, he resided. Got asylum in Iran. Third, Jalaluddin Akbar, son of Humayu, and his reign was 1556 to 1605. Jahangir, his son, 1605 to 1627, and after that Jahangir's son Shahjahan, 1628 to 1658. And after that his son Aurangzeb 1658 to 1707. These and all these Mughal emperor are called the greater emperor, greater ruler, the greater Mughals. Question: who wrote Akbarnama and Aine Akbari? Akbarnama or Aine Akbari ki ne Abul Fazl. He was a, as you know, great historian. In which language Akbarnama wrote? Akbarnama wrote in Persian language, Farsi भाषा में इसको लिखा गया। Mention the name of Mahabharata in translated Persian version or book. यानी actually Mahabharata, our great epic of which was in the Sanskrit language, it was translated and its name in Persian language was Razmnama. Mention the name of center of manuscript production during Mughal period. Mughal period mein jo center tha manuscript production ka, uska kendra kya tha, wo tha kitab khana, yani that is known as the name of kitab khana. What is meant by Jarin Kalam? Jarin Kalam means Jarin Kalam, Persian language word, and its means is golden pen. What was calligraphy? Calligraphy means the art of beautiful handwriting. Yani us samay manuscript, yani manuscript mane hast handwritten books, जिनको पांडु लिपियां बोला जाता था, उनको हाथ से लिखा जाता था और उसमें लिखने वाले जो व्यक्ति होते थे वो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी एंड देवर कॉल्ड कैलीग्राफर एंड दिस आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड
कैलीग्राफी. व्हाट वाज मीन्ट बाई स्याही. स्याही मीन्स कार्बन इंक. व्हाट वाज नास्टालिक. नास्टालिक कौन था. ए फ्लूड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स. यानी एक ऐसी स्टाइल थी राइटिंग की जिसमें कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स यानी जो जो कि वर्ड्स थे अक्षर थे उनको लिखा जाता था. हूँ आज बिजाद. बिजाद कौन था. ही ए रानी पेंटर इन कोर्ट ऑफ मुगल. मुगल कोर्ट में एक ईरान से आया हुआ पेंटर. एक्चुअली जब वहन हुमायूं रिटर्न्ड फ्रॉम ईरान इन इन 1555 तो ही केम विद हिम. नेम अदर टू फेमस मुगल पेंटर हु केम फ्रॉम ईरान. और ईरान से दो और फेमस पेंटर आए थे हुमायूं के साथ ही. उनके नेम थे मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद. उनके ही नाम थे. व्हाट इज मीन्ट बाई बादशाहनामा. बादशाहनामा क्या है. द क्रॉनिकल ऑफ किंग. यानी बादशाहनामा का मतलब हुआ एक राजा की का इतिहास. हिस्ट्री ऑफ एन एम्परर और द किंग. व्हाट इज मीन्ट बाई वाकिया. WAQAI वाकिया. एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स. यानी उस समय जो है जब ये देखा जाता था कि कौन सा जो इवेंट है कौन सी घटना है उसको हमें रिकॉर्ड करना है लिखना है और ये एक्चुअल होनी चाहिए तो उसको पर्शियन भाषा में वाकिया बोला जाता है. हू मर्डर्ड अबुल फजल. अबुल फजल का मर्डर किसने किया. बीर सिंह बुंदेला इन 1602 में. 1602 में एक कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय प्रिंस सलीम. यानी प्रिंस सलीम जो है वो अबुल फजल से बहुत नाराज थे. वो उससे खुश नहीं थे तो इसलिए उन्होंने अपने पिता के दोस्त और ग्रेट हिस्टोरियन उनको बीर सिंह बुंदेला. एक्चुअली बीर सिंह बुंदेला भी उनका कोई खास दोस्त नहीं था परंतु वो प्रिंस सलीम को प्रभावित करना चाहता था तो उनके एक इशारे पर ही उसने अबुल फजल की को मर्डर कर दिया हत्या कर दी. विच वाज 46th रेगनल ईयर ऑफ अकबर. अकबर का 46th रेगनल ईयर कौन सा था. 1601 AD. यानी उनका जो 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 गवर्नमेंटल ईयर शासकीय ईयर जो था जब वो था 1601. मेंशन द डिवीजन ऑफ अकबरनामा. अकबरनामा का डिवीजन कैसे हुआ. अकबरनामा वाज द कलेक्शन ऑफ 3 books. ये एक्चुअली 3 books का कलेक्शन है ऑफ विच द फर्स्ट 2 are chronicles. उनमें 2 तो chronicles हैं यानी हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्परर एंड एम्पायर एंड द थर्ड इज आइन ए अकबरी. जो थर्ड है आइन ए अकबरी का मतलब लॉज मेड बाई द अकबर्स गवर्नमेंट. अकबर की सरकार ने जो आइन यानी आइन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान उसको उसके बारे में इसमें लिखा गया है. व्हाट इज मीन्ट बाई दफ्तार्थ. दफ्तार्थ का मीन्स क्या है. दफ्तार्थ मीन्स वॉल्यूम्स. यानी किसी बुक की कितनी कॉपीज पब्लिक हैंड रिटन यानी लिखी गई मैन्यूस्क्रिप्ट को बोला जाता है वॉल्यूम्स. हूँ रोट बादशाहनामा. बादशाहनामा किसने लिखा. अब्दुल हमीद लाहौरी ने. यानी अब्दुल हमीद लाहौरी द फेमस हिस्टोरियन ऑफ हिज टाइम एंड ही बिलोंग टू द लाहौर. सो ही इज कॉल्ड द अब्दुल हमीद लाहौरी. हूँ रिवाइज्ड फर्स्ट 2 volume ऑफ बादशाहनामा. बादशाहनामा के जो फर्स्ट जो वॉल्यूम थे जो उनकी जो बुक्स थी उनको किसने रिवाइज किया. एक बार किसने उनको पढ़कर और उसमें जो मिस्टेक्स थी या कोई कमी रह गई थी उसको कंप्लीट किया. वो थे सादुल्ला खान शाहजहां वजीर. शाहजहां के एक मिनिस्टर थे सादुल्ला खान. उन्होंने उनको स्टडी की और फिर उनको स्टडी करने के बाद फिर उनको हैंड रिटन किया गया मैन्युस्क्रिप्ट बने. व्हाट इज मीन्ट बाई डाइक्रोनिक अकाउंट. डाइक्रोनिक अकाउंट क्या है. द ट्रेस
ऑफ ट्रेस ऑफ डेवलपमेंट ओवर द टाइम, यानी अगर हम ओवर टाइम का मतलब समय से आगे की, यानी आगे फ्यूचर में क्या होगा उसकी घटनाओं को हम लिखें, या कि पीछे क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं, यानी एक ही समय पर कई प्रकार के इवेंट्स को लगातार उनके बारे में डिस्कस करना, लिखना और उनको बुक्स की शेप देना, इसे बोला जाता है डाइक्रेनिक अकाउंट। डिफाइंस साइनक्रोनिक अकाउंट। साइनक्रोनिक अकाउंट क्या है? डिपिक्ट वन और सेवरल सिचुएशन एट वन पार्टिकुलर मोमेंट और पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही समय की घटनाएं जो या स्थितियां हैं उनको रिटेन कर दिया जाता है या उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। जबकि जो डाइक्रोनिक में क्या था, उसमें यानी एक समय नहीं बल्कि कई जो टाइम की घटनाओं को, कई जो टेन्योर या पीरियड होते थे उनकी इवेंट्स को अलग अलग करके लिखा जाता था। हु रोट द बुक रिपब्लिक? रिपब्लिक जो बुक थी, बुक है, उन्होंने लिखा था प्लेटो। प्लेटो वाज ए ग्रेट ग्रीक स्कॉलर एंड उन्होंने बुक लिखी थी रिपब्लिक। व्हाट इज मीन्ट बाई फॉर ए इजादी? फॉर इजादी का मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड, यानी गॉड यानी जो भगवान है या ईश्वर है या अल्लाह है, वो एक तरह की एक लाइट या रोशनी डालता है लोगों पर जो कि अर्थ पर रह रहे हैं। और इसमें इसका मीन्स ये है कि ये माना गया कि जितने भी मुगल किंग्स थे या एम्परर थे उन पर एक गॉड एक विशेष उनको लाइट प्रकाश या एक प्रकार की एनलाइटनमेंट पावर वो प्रोवाइड करा रहा था। हु फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ फारे इजादी? फारे इजादी को सबसे पहले किसने डेवलप किया? फेमस ईरानी सूफी सेंट, प्रसिद्ध ईरानी सूफी सेंट थे, उनका नाम था शिहाबुद्दीन इन सोहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, यानी जो प्रसिद्ध उनका नाम था शिहाबुद्दीन, उन्होंने इसको इस कंसेप्ट को क्रिएट किया। व्हाट इज मीन्ट बाई सुलहकुल? सुलहकुल क्या है? इसका मीन्स होता सुलह एब्सोल्यूट पीस, संपूर्ण शांति, कंप्लीट शांति। मेंशन फोर एसेंस प्रोटेक्टेड बाई एम्परर अकबर। एम्परर अकबर ने चार जो प्रमुख बातें थी हमारी लाइफ से रिलेटेड, लोगों की लाइफ से रिलेटेड, उनको प्रोटेक्ट किया, उनकी सुरक्षा को सुरक्षा करने का उनका कमिटमेंट किया, आश्वासन दिया। ये कौन सी थी? फर्स्ट है लाइफ जान, सेकंड प्रॉपर्टी माल, और थर्ड ऑनर नामस, एंड फोर्थ है फेथ दीन। दीन का मतलब हमारी रिलीजियस बिलीफ या मॉरल बिलीफ या जो हम जिनको मानते हैं विश्वास करते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब आप जानते हैं, माल का मतलब जो संपत्ति होता है, लाइफ का मीन्स होता है जीवन, और ऑनर का मतलब होता है रेस्पेक्ट या सम्मान। इनको चारों को प्रोटेक्ट करने का उन्होंने आश्वासन दिया और कमिटमेंट किया। नेक्स्ट, हु सेट अप द चेन ऑफ जस्टिस? यानी एक चेन, एक जंजीर लगाई गई थी जहांगीर ने अपने महल से बाहर। ये हिस्ट्री में आता है कि उन्होंने एक लगाई थी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को प्रॉब्लम है और उसको जस्टिस नहीं पल पा रहा है उसके ऑफिसर्स के द्वारा, तो वो आकर एक बार चैन को चैन खींच ले या चैन बजा दे, तो वो जहांगीर जो है उसी समय वहीं अगर होते थे तो उपस्थित हो जाते थे और उसकी प्रॉब्लम्स या समस्याओं को सुनते थे। इन विच ईयर अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी में जैसे आप जानते हो कि अकबर ने अपनी नई कैपिटल बनवाई थी, उसका जो डिसीजन उन्होंने कब लिया, और वो डिसीजन लिया था 1570 AD में। डिफाइन एक्सिस मुंडी। एक्सिस मुंडी क्या है? ए लैटिन फ्रेज फॉर पिलर, पिलर के लिए, पिलर मीन होता खंबा, और पोल दैट विजुअलाइज्ड एज द सपोर्ट ऑफ अर्थ, यानी
एक लैटिन फ्रेज है, एक लैटिन जो एक कहावत है कि जो ये पृथ्वी है या जो पूरा संसार है वो कुछ खंभों पर टिका हुआ है, और उसको लैटिन लैंग्वेज में इसे बोला जाता है एक्सिस मुंडी। वाडी द अदर नेम ऑफ थ्रोन। थ्रोन जो यानी जिस पर वो गद्दी पर बैठते थे उसको अदर नाम क्या था पर्शियन में, उसका नाम था तख्त। इससे रिलेटेड है जैसे कि जहांगीर, जैसे कि शाहजहां ने अपने लिए एक शानदार पीकॉक थ्रोन बनवाया था और उसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था। डिफाइन कॉर्निश। कॉर्निश क्या है? इट वाज ए फॉर्म ऑफ सेरिमोनियल सैल्यूटेशन। ये एक प्रकार का जो यानी दरबार में जब दरबारी आते थे तो वो एक सेरिमोनियल माने उस समय के अनुसार उत्सव के रूप में एक सैल्यूटेशन देते थे। उसको सैल्यूटेशन का मतलब नमस्ते करना, प्रणाम करना। इन विच कोर्टियर प्लेस्ड द पाम। इसमें जो कोर्टियर था वो पाम को मतलब अपनी हथेली को हिज राइट हैंड, अपने राइट हैंड का जो उसकी हथेली होती थी अगेंस्ट हिज फोरहेड, उसको अपनी फोरहेड यानी माथे पर लगाता था। एंड बेंट हिज हेड, और अपने सिर को लगातार झुकाता रहता था एम्परर के सामने। डिफाइन चार तस्लीम। चार तस्लीम क्या है? चार तस्लीम वाज ए मोड ऑफ सैल्यूटेशन। ये एक प्रकार का सैल्यूटेशन था विच बिगिंस, जो शुरू हुआ विद प्लेसिंग द बैक ऑफ राइट हैंड ऑन द ग्राउंड। यानी इसमें क्या होता था कि जो राइट हैंड का जो बैक है उसको ग्राउंड यानी जमीन पर टिका दिया जाता था। एंड रेजिंग इट जेंटली, और इसको बड़े ही स्लोली धीमे से उठाया जाता था टिल द पर्सन स्टैंड इरेक्ट, जब तक कि वो व्यक्ति इरेक्ट मानी सीधा होता था, उसको यानी अपने जो राइट हैंड को लगातार वो वहीं टिकाए रखता था और उसको धीरे धीरे उठाता था। वहन ही पुट्स द पाम ऑफ हिज हैंड, और इस प्रकार अपने जो पाम था जो हथेली थी उसके हैंड को द क्राउन ऑफ हिज हेड, फिर उसके पास वो अपने यानी बादशाह के सामने अपने हेड यानी सिर पर रख लेता था। इट वाज डन फोर टाइम्स, और इसको चार बार किया जाता था, और इसका मीन्स होता था चार टाइम्स यानी चार तस्लीम। डिफाइन द लिटरेचर लिटरली मीनिंग ऑफ चार तस्लीम। चार तस्लीम का प्रारंभिक या अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मीन्स होता है सबमिशन फोर टाइम्स, यानी चार बार में सबमिशन यानी राजा की अधीनता स्वीकार करना और उसके सामने अपने आप को डेडिकेटेड या समर्पण कर देना।